अल्लाह फरमाते सोरे में नंबर सोना आयत नंबर पचपन में आपके दोस्त सिर्फ वो है आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है और वो मोमिन जो नमाज कायम करते है और जक़ात देते है अल्लाह फरमाते आपसे सोरेदा में सोना नंबर पांच आयत नंबर पचपन में आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल और वो मोमिन है जो नमाज कायम करते हैं और जकवात देते हैं जो लोग नमाज नहीं कायम करते और जकवात नहीं देते वो आपके दोस्तों में से नहीं है अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में सुन नबु दाऊद की जिल्द नंबर एक चैप्टर नंबर तीन सौ हदीस नंबर आठ सौ छत्तीस अल्लाह के रसूल फरमाते कि क्यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे वो है सलाह के बारे में अल्लाह के फरमाते हैं सही मुस्लिम में ज़िल्द नंबर एक किताब ईमान चैप्टर नंबर छत्तीस हदीस नंबर हंड्रेड 146 फोर्टी सिक्स एक सौ छियालीस अल्लाह के फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान ईमान और कुफ के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सही हदीस में सुन्न अबू दाऊद जिल्द नंबर तीन किताब सुन्ना चैप्टर नंबर वन सिक्स नाइन वन हदीस नंबर फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी वन चार छः छः एक फरमाते काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इंसान सलाह नहीं कायम करता नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर जैसा है और अल्लाह ताला फरमाते सूर मुदस्सर में सुर मुदस्सर में सूरा नंबर सेवेंटी फोर आयत नंबर इकतालीस से तैतालीस में कि जो गुनेगार दोजक में डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दो में हैं तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे इब्राहिम दुआ करते हैं सुर इब्राहिम में सुर नंबर चौदह आयत नंबर चालीस में ए मेरे रब मुझे सलाह कायम करने वाला बना और मेरे बच्चों को भी सलाह कायम करने वाला बना में में, दो आएरा में फिर आखिरतीसनतों की नासा बिनार अच्छी चीज दे कामयाबी दे इस दुनिया में और आखिरत में और हमें दोज की आख से बचा तक खत्म करने के पहले और कुरान की आदत तलावत करने के पहले मैं फिर से एक शायरी कहूँगा मेरी जिंदगी का मकसद मेरी जिंदगी का मकसद है तेरी दी की सरफराजी मेरी जिंदगी का मकसद है तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी लेकिन फिर भी इस आयत के मुकाबले में शायरी फीकी है अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाम में सूरह नंबर छः आयत नंबर एक सौ बासठ और एक सौ तिरसठ में कुल इन सलाती मनुसुकी मम याया व मम माती لله رب العالمين وبذالك امرت وانا افضل المسلمين कहो कि मेरी सलाह मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं और मैं उनमें से हूं जो सबसे पहले Allah को सजदा करता हूँ और कहता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ वाहर मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मुसलमा मैं इसीलिए नमाजी ये थे डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब जो नमाज यानी सलाह के जिस्मानी, रूहानी और तिब्बी फ़वाद आपके सामने कुरान हदीस और साइन की रोशनी में बयान फरमा रहे थे हम बेहद ममनून हैं उनके जाहिर बात है उन्होंने बताया कि नमाज़ किस तरीके से हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है मसावत और भाईचारगी का और अख़ुवत का दर्स देती है किस तरीके से अमीर और गरीब फकीर और बादशाह मुलाजिम और आका को एक साथ किस तरीके से कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर खड़ा करके बताती है कि सब एक हैं इनमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है आ गया न लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़ बंदा व साहिबो महताज व गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए लेकिन मेरे दोस्तों जैसा कि डॉक्टर जाकिर साहब ने कहा कि हमारी नमाज नमाज होनी चाहिए अगर पैरों पर खड़े रहना ही इबादत है अगर पैरों पर खड़े रहना ही सिर्फ़ इबादत है तो जंगल के दरख्तों से ज़्यादा आप खड़े नहीं रह सकते नमाज में खुशू होना चाहिए खुजू होना चाहिए जैसा कि उन्होंने बताया कि हम कान बनकर बिल्कुल खुशु और खुजू के साथ हाजिर दिमागी के साथ नमाज को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें क़ुरान पाक का तर्जुमा हमको पहले पढ़ना चाहिए और नमाज के दौरान हम उसी में घूमते रहें कि इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है तो इन हमारी नमाज नमाज होगी वरना ऐसा ना हो कि में इकबाल के कभी किबला रू जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में और ऐसा ना हो कि जब जब हम कभी ज़मीन के ऊपर सजदा करें तो वो हिस्सा जमीन का हमारे बारे में हमारे खिलाफ ये गवाही दे जैसा कि फारसी शायर ने शेर कहा है कि बज़मी तो सजदा करदम जमीन इदाबर आम के मोरा खराब कर दी तो बस सज रियाई कि जब जब मैंने ज़मीन के ऊपर सजदा किया तो ज़मीन के उस टुकड़े से आवाज़ आई कि तुमने मुझको रियाकारी के सजदे से ख़राब और नापाक कर दिया इसलिए मेरे दोस्तों हमें नमाजों का अहतमाम करना चाहिए नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है सिवाया चंद मौक़ों के जैसा कि डॉक्टर साहब ने तफसी से उसके ऊपर रोशनी डाली अब डॉक्टर साहब की तकरीर का जो दूसरा दिलचस्प और इंतहा मौसर शीशन है जो सवाल वजवाब का सेशन है वह हम शुरू करते हैं सवाल व जवाब को शुरू करने से पहले चंद बातों का ध्यान रखना तमाम भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी है सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल करने वाला अपना नाम और प्रोफेशन यानी जो पेशा है वो ज़रूर बताए सवाल मुख्तसर हो कोई लंबी चौड़ी गुफ्तु और बातचीत न हो सवाल खास तौर पर अगर मुसलमान भाइयों और बहनों को सवाल करने का मौका मिले तो उनका सवाल वनवान के मुताबिक होना चाहिए जैसा कि आज की तकरीर का है डॉक्टर साहब की सलाह हिदायत और रहनुमाई का रास्ता हमारे ग़ैर मुस्लिम भाई और हमारी गैर मुस्लिम बहनें उनको इजाज़त होगी कि वो इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं इसी के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा तमाम सवाल करने वाले भाइयों और बहनों से कि कोई फ़िकही सवाल न करें और अख्तिलाफी सवाल न करें अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो अख्तिलाफी हो तो उसको रद्द करने का बहसीियत कोऑर्डिनेटर के मुझे पूरा इख्तियार होगा कि मैं उस सवाल को रद्द कर दूँ और उस सवाल को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अब हम बायदा सवाल जवाब का ये सेशन शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में चार माइक का इंतज़ाम किया गया है एक माइक माइक नंबर वन हमारे बाएं जानब है स्टेज के हमारे बाएं हाथ की तरफ है और भाइयों की तरफ दूसरा बीच में हमारे भाइयों के शोबे में माइक नंबर तीन भी भाइयों के शोबे में है और माइक नंबर चार हमारे दाहिने हाथ पे हमारी बहनों के शोबे में है और इसी के साथ साथ माइक नंबर पाँच भी हमारी खवातीन और हमारी बहनों के शोबे में है अब हम बाकायदा सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू करते हैं हम वॉलंटियर हजरात से गुज़ारिश करेंगे दरख्वास्त करेंगे कि अगर कतार में कोई ग़ैर मुस्लिम भाई हो तो पहले उन्हें सवाल करने का मौका दिया जाए माइक नंबर एक से जो भाई खड़े हैं सवाल कर सकते हैं जी हाँ भाई मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ धरती की बात करता हूँ टॉप कापी पैलेस में टॉप कापी म्यूजियम में कई चीज रखी हुई है काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीजें फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीजें खलीफा जो चारे उनकी चीज़ें और कई रसूल की चीज़ें हैं तो मूसा सलाम, इब्राहीम आसाम सलाम और सलाम का वहाँ चीज़ रखी गई है तो ये जो मूसा सलाम की लाठी है जो असा और दाऊद सलाम की जो शॉर्ड है मतलब तलवार तो क्या रियल है उनके टाइम का यूज़ किया हुआ है महेश भाई ने सवाल किया है जो तोपटा के म्यूज़ियम गए थे इस्तानबुल में तुर्की में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया इस साल ही चंद महीने पहले फेबरी मार्च में मैं भी गया था कोप्टा की म्यूज़ियम में तुर्की में मुझे बुलाया गया था महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की सलाम की और सलाम की लाठी है क्या वो लाठी सही है इज़ इट औरजिनल मैंने भी वो लाठी को देखा ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया लेकिन जवाब मिला सही है या नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है वो महफूज है वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है उसमें कई चीजें हैं जैसा आपने कहा खुलफ़ा राशिदीन के हज़रत अबू बकर हजरत उमर रज उनके कई चीज़ें लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूँ साइंस के तलब इम हूँ आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है सी फोर्टीन वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज़ है वो कितनी पुरानी है तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है मूसा सलाम कितने हज़ार साल पहले हमें पता ही नहीं कुरान में इसका जिक्र नहीं बाइबल के जरिए बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीब एक हज़ार चार सौ साल सलाम के पहले आए ईसा सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए तो बाइबल के मुताबिक मूसा सलाम तीन हज़ार चार सौ साल पहले आए लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में है और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती नहीं कभी फ्लड आया कभी इजिप्ट है अनसाइंटिफिक है तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा और साठी पे इन लोग इजाज़त देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मुसा सलाम आए लेकिन एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता लेकिन मुझे एज अ मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मूसा सलाम का जो जिक्र कुरान मजिद में वो सही है और जो हिदायत जो मूा सलाम

इस सलाह इज इम्पोर्टेंट दैट मच दैट कैन बी लीव आर कॉलेज एंड लेक्चर्स इट्स पॉसिबल इन सलाह सो वॉट शुड बी डन विद हाउ कैन इम्प्रूव दैम रोज मैंने दो सवाल पूछा है सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरखास्त करना चाहूँगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं चाहे इस्लाम के ताल्लुक हो या दिगर मजहब के ताल्लुक हो हिंदुज़म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में ईसाईत के बारे में आप बिना झजक क्या पूछ सकते हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को क्या जो भी सवाल पूछना चाहते इस्लाम के मतलब ये आपका सुनहरी मौका है ऐसा मौका हमेशा नहीं आता अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहाँ आप कोई भी सवाल पूछ सकते चाहे इस्लाम के बारे में हो हिंदुज़म के बारे में हो क्रिश्चियनिटी के बारे में हो जुदाइम के बारे में हो आप अगर मेरे बात से मुतफिक नहीं हैं फिर भी आप पूछ सकते कि जाकिर मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ और आप पूछ सकते कोशिश करूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूँगा आपकी गलत से दूर करूँ मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं लेक्चर को छोड़ सकते हैं और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था मैं भी इस दौर से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है इधर सात से एक तक होता है या हो सकता है आठ से लेकर कर चार तक के जो भी टाइम है लंच ब्रेक तो मिलता है जब आपको लंच ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज़ भी पढ़ सकते सलाह भी पढ़ सकते हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नज़दीक है तो मस्जिद में जाइए मस्जिद नज़दीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते लेकिन सलाह छोड़ने की इजाज़त आपको नहीं है ये पढ़ना फ़र्ज़ है और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं आप जाके बॉयज़ कॉमन रूम में पढ़ सकते गर्ल्स गर्ल्स रूम में पढ़ सकते सलाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए सलाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरा है या कोई शिया हज़रा है जो पैर से पैर नहीं मिलाते कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है मुस्लिम है मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम तो जो आदमी नमाज पढ़ता है मैंने आपसे ज़िक्र किया अल्लाह सुबहाना तआला कम से कम बारह जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतुल्लरसूल ओबे एंड ओबे द मैसेंजर नसा सोना नंबर चार आयत नंबर उनसठ और बारह जगह का जिक्र मैंने किया हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताद करना चाहिए और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं यह हदीस बुखारी की किताबत आदान की चैप्टर नंबर अठारह हदीस नंबर छः सौ चार और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर नौ हदीस नंबर तीन सौ बावन थ्री फिफ्टी टू और अल्लाह के फरमाते हैं कि नमाज के वक्त सही बुखारी में जिल्द नंबर एक किताब आदान चैप्टर सेवेंटी फाइव नंबर सिक्स नाइन्टी टू के जब आप नमाज पढ़ते हैं हज़रत अनस फरमाते कि हम साहबा के कंधे मिलते थे दूसरे साहबा के कंधे से हमारे पैर मिलते थे हमारे साहबा के पैर से अल्लाह के रसुलफ़रमाते सोना दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर एक किताब असला चैप्टर टू फोर्टी फाइव और हदीस नंबर 666 अल्लाह के तो फरमाते कि बीच में जगह में छोड़ो जगह को कम करो और शैतान को बीच में आने दो उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल कि हदीस के बारे में पता नहीं होगा तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ पैर से पैर मिलाओ नमाज़ पढ़ते वक्त ये फ़र्ज है क्वेश्चन जी माइक नंबर दो पे सर मेरा नाम प्रणव नायक है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो तो हम हिंदुओं का क्या होगा क्योंकि हमारी तो को कोई कब्र नहीं होती भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़्यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कबर में दफनाए नहीं जाते हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना हिंदू बच्चे हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता उसको दफनाया जाता है फिर भी कई मुसलमान है जो डूब के मरते हैं जो जल के मरते हैं उनको भी दफनाया नहीं जाता है जिनकी हमें मिलती नहीं ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगी कुरान मजिद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे फिर मौत देंगे फिर से जान डालेंगे तो अल्लाह जान डालेंगे चाहे वो कब्र में है चाहे जलाया गया है चाहे डूब गया है जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है चाहे आप दफनाए गए है या चाहे जला दिए गए अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क्यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डिया को कैसे जोड़ेगा जैसे आप पूछ रहे ना अल्लाह ताला जो कबर में उनको उठाएंगे हम कब्र तो नहीं गए तो लोग पूछते हैं कुरान में का जिक्र है सोरे क्याम है शुरा नंबर सेवेंटी फाइव नंबर तीन चार में कि अल्लाह ताला हड्डिया को कैसे जोड़ेगा तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह हड्डिया को ही नहीं जोड़ सकता है आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है उंगलियों के पोर पोर आप सोचते अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है आज की साइंस ये कहती है सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन अठारह में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हु बहू बैसे पैदा कर सकता हूँ तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है अल्लाह को फिर से जान डालने में चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है कन कुन और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकाम पर अमल किए तो इन शह आप जन्नत में जाएंगे इस दुनिया के इम्तहान में सफलता पाएंगे लेकिन अगर उनके अहकाम पर आपने नहीं चले उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे तो आप इस ज़िंदगी में सफलता नहीं पाएंगे होप देशन